अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नबीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडियाज। व्यूअर आज की टीम शामिल तो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आज हम आए हैं एक फैक्ट्री के अंदर जिसके अंदर ये सेबे की डोरी बनती है। ये देखने में तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। होल सेल के जो दुकानदार होते हैं या बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं चीज़ों को बांधने के लिए, कार्टनों को बांधने के लिए, चूड़ों को सिलाई करने के लिए और बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। तो इस फैक्ट्री के ऑनर हैं असलम भाई, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इस फैक्ट्री के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में इनसे हम आज डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा असलम भाई, पहले तो अपने काम के बारे में बताएं, कौन सी आइटम आप तैयार कर रहे हैं कारखाने में? ये सर हम आगे तकरीबन 3-4 आइटम प्लास्टिक डोरी के बनाते हैं। अच्छा, दिखाएंगे कौन सी बना रहे हैं डोरी? ये हमारा ये 900 नंबर माल है। ठीक है। अच्छा, ये सेबा है? ये जी राणा ब्रांड पे। राणा ब्रांड, ठीक है। दो क्वालिटियाँ हैं ये इस टाइम, यानी कि दो सैंपल है हमारे पास। अच्छा, एक ये क्वालिटी है, एक ये क्वालिटी। अच्छा, कौन सी चीज़ें बनाते हैं इसको? ये सर ना ये प्लास्टिक नहीं होता, जो क्राकरी का बर्तन का टूटे फूटे जो माल होता है, कबाड़ होता है जो जी, वो बाहर से आता है रिसाइकल होके। ठीक है। फिर उसके बाद आगे दाना बनता है इसका, क्रश करके ना माल क्रश करके धुलाई करके उसका दाना बनता है। दाने के बाद हम इसको दोबारा यानी कि मशीन में डाल के डोरी बनाते हैं। ठीक है। ये सेबे की जगह इस्तेमाल होती है। अच्छा, यानी कि ये प्लास्टिक का जो कबाड़ होता है उससे ये डोरी बनती है? ये उससे बनती है। ठीक हो गया। प्योर माल की भी बनती है, लेकिन वो रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा अमर भाई, कितनी देर होगी ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए काम करते। काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका? जी जी। अच्छा, ये जो फैक्ट्री है आपकी कितने मरले की फैक्ट्री है? ये 5 मरले की फैक्ट्री है। 5 मरले में सेटअप जो है ना, एक दो मशीन का सेटअप लग जाता है। चल जाता है। ये मशीनरी कितने की तकरीबन लगती है इस सेटअप के? ये मशीनरी इस टाइम तकरीबन को 10-12 लाख रुपए का सेटअप है, मटेरियल के अलावा। खाली सेटअप ही सेटअप? ये खाली नया, और पुराना अगर वो मिल जाता है तकरीबन 6-7 लाख में। 6-7 का पुराना आ जाता है, 10-12 का नया मिल जाता है। कहाँ से बनता है ये सेटअप? ये बनता है मुंशी असरसाल बंद रोड पे। बंद रोड पे उधर ऑर्डर करा दिए। पोली की मशीन बनती है, शॉपर की मशीन बनती है, हाइड एंड सी की, तकरीबन जो भी मार्केट है ना वो बंद रोड पे है मुंशी असरसाल। ठीक है। यानी कि ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है ये सर? जी जी, ऑर्डर पे। ठीक है। अच्छा, इसकी डिमांड के वाले से बताएं, मार्केट में सेल ये अलहमदिल्ला मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, बेहतरीन डिमांड ठीक है, अभी हमारी पूरी नहीं होती। जी। तो कितनी आमदन हो जाती है अंदाजन महीने की? ये तकरीबन मार्केट के हिसाब से है, परचेजिंग के हिसाब से, जितना माल बने उतनी प्रॉफिट बन जाती है। तकरीबन पर के जी 10 रुपये किलो तो निकल आते हैं। 1-1.5 लाख रुपया महीने का आ जाता है? जी जी, इंशाल्लाह सारे खर्चे निकाल के। सारे खर्चे निकाल के। इतना मीटर कौन सा है? 3 फेज चलता है इस पर? ये 3 फेज चलता है और कमर्शियल गैस चलती है इस पर। या गैस भी इस्तेमाल होती है? इस्तेमाल होती है। और बिजली भी इस्तेमाल? बिजली भी। 3 फेज। कितने लड़के हैं आपके पास काम करने वाले? मेरे पास तकरीबन आगे 5-6 लड़के हैं। 5-6 लड़के काम करते हैं जी। एक मशीन को चलाने के लिए, सेटअप को चलाने के लिए? एक मशीन को चलाने के लिए तकरीबन 4-5, एक लड़का स्पेयर रखा है और 4 लड़के 2 दिन को काम करते हैं, 2 रात को काम करते हैं। डबल शिफ्ट चलती है जी? डबल शिफ्ट 24 घंटे चला। इसके अंदर एक वर्म इस्तेमाल होता है? जी, इसमें वर्म इस्तेमाल होता है। होपर है एक, वो गर्म एक वर्म इस्तेमाल होता है, और आगे खिंचाई मशीन है, और 3 सेट हैं जो वेंडर जिसमें ये रूल लपेटी जाती है, रूल करते हैं। हाँ जी, एक मिक्सर है उसमें ना आगे माल डाल के गर्म करना होता है। 4 मशीनें हैं, सबसे बड़ा वर्म ही है। सबसे बड़ा वर्म है। ठीक हो गया। अच्छा असलम भाई, अगर कोई ये माल लेना चाहे आपसे तो मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। इसकी को प्राइस के हवाले से बता दें। ये इस टाइम इसकी प्राइस, येलो की प्राइस है तकरीबन 210 रुपये। 210 रुपये किलो के जी। ये यानी कि मार्केट के हिसाब से चलता है, पीछे मार्केट से दाना स्लो मिल गया, आगे भी यानी कि स्लो रेट हो जाएगा। सस्ता मिलेगा सस्ता हो जाएगा, महंगा मिलेगा महंगा हो जाएगा, ये मार्केट के हिसाब से। पर कितने के जी माल तैयार हो जाता है 12 घंटे के अंदर? ये 12 घंटे के 400-500 किलो के जी हो जाता है। 400-500 पर के जी पे कितने प्रॉफिट आ जाता है इसमें? पर के जी आपको बताया ना, पर के जी 10 रुपये किलो, 10-15 रुपये किलो बच जाते हैं। 10 रुपये किलो हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई माल लेना चाहे किसी और शहर में, पाकिस्तान कराची हैदराबाद, तो डिलीवरी हो सकती है? हाँ, हो जाता है इंशाल्लाह। जा रहा है मेरा माल? जा रहा है आपका माल? मेरा माल जा रहा है इधर बावल नगर मंडी, बावल दीन, दीपालपुर, सवाद, मिंगोरा, जितना का मेरा बंद है ना सब पार्टी सिंध में, केबीके में माल जाता है आपका? जी जी, बिल्डिंग के जरिए जाता है। हाँ जी, बिल्डिंग के जरिए। यानी कि कोई ऑर्डर करे तो सर्विस अवेलेबल है आपके पास? ऑर्डर करेंगे वो 2 दिन के बाद आपको माल मिल जाएगा। 2 दिन अपने पेमेंट लगवा दें तो जी जी, बुक करवा देंगे माल। हाँ बिल्कुल सही है। अगर कोई मिलना चाहता है तो एड्रेस बता दें अपना। वो मसला अपना मसला नहीं, आ जाए। एड्रेस बता दें अपना। एड्रेस हमारा है ये द्रोगे वाला
सलामतपुरा सऊदिया पार्क मोहनपुरा रोड पे। ठीक है, गली नंबर 3 टावर वाली गली है। नंबर भी बता दे फोन नंबर। 0302-46-17-742 राणा ब्रांड पे हमारा माल बनता है। 0302-46-17-742 ठीक है। ठीक है, मेरा इस्लाम भाई ने इंफॉर्मेशन दी, अगर ये डोरी अगर वगैरह आपको जरूरत है इंशाल्लाह ना आए, कोई ऑर्डर हो तो कोई मसला नहीं है। ख़रीदना चाहते हैं, इसका होलसेल पे काम करना चाहते हैं तो ये इंशाल्लाह मुनासिब रेट पे आपको माल देंगे। और ये आप अपने इस्तेमाल के लिए भी ले सकते हैं, और अगर ख़रीद के आगे सेल करना चाहें तो उसके लिए ज़्यादा क्वान्टिटी भी माल उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आज तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।